एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आ गया बूढ़ा, आ गया। अब मैं जाता हूँ और झंडे गाड़ के आता हूँ। एक मिनट, ब्रेक मत। तू क्या गुल खिलाने वाला है मैं पहले ही बता दे। हाँ, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, फिर और फिर जानबूझकर हल्के से बूढ़े से टकराऊंगा और फिर मैं पलट के देखूंगा। अरे, आप राहुल के दादाजी तो नहीं है? इस पैतरे से अगर बूढ़ा नहीं गिरा तो मेरी कदकाठी और कम कर देना। अब इससे ज्यादा क्या कम होगा। और तू संभाला, रितु के मामले में अपनी बड़ी पनवती लगी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे, कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा। देखते जाओ कैसे विकेट गिरा कर आता हूँ मैं। अरे, कहाँ से जाएगा। अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? जी, मैं अभी उठा देता हूँ। अभी उठा देता हूँ। आंखें फूटी है क्या? ये सब बेटी बात सुनो, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छोड़ने की? अबे भागो, भारू को निकालो वहां से जल्दी। मजा आ रहा है ना? पीट अपने ढोल और पीट, फट गया ना? हाँ, क्यों नक्षड़े, उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे छोड़ दो। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। अरे, बूढ़े के साथ दोस्ती करना बच्चों का खेल है क्या? अरे क्या, तुम लोग उससे अपना जो खून बहाया उस पे तुम लोग पानी फेरे? तू फिकर मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा। खून भरी मांग, ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो दो चार टुकड़ा और घुसेड़ दो पेट में, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। हाय रे, देख तुझे मिर्ची ने अंधा किया। हाँ। तुझे आग ने जलाया और तुझे कांच ने फोड़ा। सही है भाई, मतलब तीन टपके। अब एक ही रास्ता है। क्या क्या? मुझे लगता है। क्या बता भाई बता, मुझे लगता है कि अबे क्या लगता है? तुम लोग उसे भूल जाओ। क्या? हाँ, अच्छा, ओके। पप्पी भाई, फेवरलेस प्ले होली होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चला। पप्पी बॉस कमान। बशीर बशीर, वल्ला ईद के पाक मौके पे तुम हमको भूल गए यार। वल्ला कंदर, वल्ला बंदर, बोरे बंदर, चल कलंदर, मेरा बंदर, मेरा बंदर, बजीर मुबारक भाई, ईद मुबारक। पापी बॉस लीवी, पापी बॉस, बॉस आज दिवाली है, डीडीएलजे दिवाली। और ये बशीर बशीर नहीं, आपकी ऑपोजिट पार्टी वसूली है। वी डबल एस डबल एल डबल ओ, वसूली वसूली। वो महारानी का हार चोरी हुआ था जिस रात तू ही मिला था ना मुझे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कई बार चोर हमारे लेफ्ट में राइट में होता है और हमें पता भी नहीं चलता। इन दोनों को देखा है मैंने कहीं पर। ए पिंकशर्ट, तुम मुंह क्यों छुपा रहा है? तुमसे कह रहा है, मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी, इसीलिए मुंह छुपा रहा हूँ, समझते नहीं हो तुम? ओके ओके। और तू ब्लू शर्ट, इसकी माँ जिसके साथ भागी थी वो मेरा बाप था। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, क्या अंडरस्टैंडिंग है। वो रहने दो ना, आपके बच्चे के लिए पटाखे खरीदो वरना आपकी बीवी आपको मारेगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको पटाखे चाहिए ना? आइए आइए, वसूली फायरवर्क्स में आइए। आज बोनी उसकी होगी जिसके रॉकेट में दम होगा। चलो के दिखा। Oh!
कर रहे पॉन्ड में छाप रहे हो? अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? नहीं वो ट्रायल चल रहा है ना, साफ सफाई। अच्छा अच्छा अच्छा, पे था ये मौसम कैसा है यहाँ का? अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। क्यों, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है, लड़कियाँ तो बहुत अच्छी हैं। नहीं मेरा मतलब उनका स्वभाव कैसा है, दोस्ती वोस्ती करती है कि नहीं? जो भी देसी आता है घुमा फिरा के वही पूछता है। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। अच्छा? मैं तो बस यूं ही। अच्छा यूं ही? आटो, आटो। क्या हुआ? आटो तो। क्या हुआ क्या? अच्छा किस तरह की लड़की चाहिए, मैक्सिकन, चाइनीज, जैपनीज, इंग्लिश? सच बताओ? हाँ। एकदम भारतीय लड़की चाहिए। क्या? हाँ। तुम्हें विदेश में आके विदेशी लड़की चाहिए? क्या बताऊँ, खेल ही ऐसा है। हाँ समझ गया समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। बंटी ने पूछा क्या? अरे किसी ने नहीं पूछा, मैं तो ऐसे कह रहा था। कब चाहिए? आज। आज? अभी। अभी? हाँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके सोके। अच्छा सुनो, बोलो। एक महीने के लिए? एक महीना? वही की वही सेम टेस्ट? क्या तुम भी यार? नहीं नहीं दरअसल, नहीं नहीं दरअसल मेरी, अरे शादी नहीं हुई ना इसीलिए। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ उसको हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी? अच्छा हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एक महीने के लिए चाहिए, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए, सारी चीजें बड़ी। अरे डायलॉग में इतना खुश क्यों गए? अच्छा सुनो, लड़की एकदम हीरोइन जैसी होनी चाहिए। ठुमका लगाए मस्त। बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा बोलोगे वैसा नाचेगी, ठुमका बोलोगे ठुमका लगाएगी। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता? पैसा कितना ले लेगी? अरे यार छोड़ो ना, वो तो वो लोग बताएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जैसा बोला है वैसा करते जाओ। देखो तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ सीधे सीधे, और फिर चौथे सिग्नल से बाएं ले लेना, और उसके बाद बहुत बड़ा पार्क पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इंडियंस खड़े मिलेंगे, लेकिन किसी गोरे से मत पूछना, इंडियंस देखते तुम्हें समझ जाएंगे, वो तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो जैसे ही आए उनसे मांग लेना, पर पुलिस से सावधान रहना, ये बात। अच्छा सुनो, ये बात जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई है, हाँ हाँ, कोई पूछे तो मत बता। अरे नहीं लोग पूछे। अरे तुम चिंता ही मत करो, पूछेंगे। अरे तुम जाओ अपना काम करो, जाओ, ऑल द बेस्ट। छत्री के? दूध? हाँ आपके लिए दूध। पहले तू पी। जी पहले तू पी। हंसते क्या है, थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए ना, आधा आधा मैं धीरे धीरे, तुम मैं धीरे धीरे, सिस्टम नहीं मालूम क्या? थोड़ा थोड़ा करके पीने चाहिए ना। केक माला चढ़ के जाने का ऐसे एनिमिन पेरिस सीधा टेरिस पूरा पी लिया। मैं क्या पी हूं, क्या पी हूं बोलो। भाव 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 भाव, वो इंजीनियर और कमिश्नर आले, लगता है रोड का निरीक्षण करने आए हैं। ए तात्या उधर ले गया। ओए मार चल फटकर रोड के बीच में यहां पे। ए रुको रे रुको, ए आप यहाँ खड़ा नहीं खोल सकते। ए तू खंड रे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना। अरे लेकिन अगर आपको देखना ही है तो साइड में देखिए ना, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंड रे। अरे कितनी मेहनत से रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना वही चेक। ए तू खंड रे। एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहां लिख दो डांबर से सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। तो बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता।
कहने मैडम देखिए ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं नहीं हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला, कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़ी शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था? इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती है, घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम मेरी बात सुनिए, मेरे वर्कर को क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे चेक्स का क्या होगा? मैडम मैडम ये सब नहीं चलेगा, इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। बहुत घमंडी होगी है तू। जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, डपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना जली को टिचकुले कहते हैं और बुजी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। चल गाड़ी जाओ। चल जीजू बीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले ए रंगीला। गाड़ी बैक करके ले गए। अरे पप्पी पप्पी भाई, पप्पी भाई, पप्पी पप्पी। आज हमारे बिजनेस का पहला दिन है, सो फर्स्ट राइड तो आप ही लेंगे। ये भी पता चलेगा। इट्स टाइम टू टेक हिम फॉर अ राइड गोपाल। क्या करें? फेविकॉल का मजबूत जोड़ आसानी से नहीं। आइए पप्पी भाई, आइए। अरे पप्पी भाई आप भी हमारे पिलर हो, लॉस्ट एंड फाउंड मेमोरी के चिलर हो, आप भी हमारे जॉनी और आप भी हमारे लीवर हो। शट अप लक्ष्मण। अरे करेक्ट बोला मैंने। नहीं नहीं आप बैठ जाओ और एकदम बुक करके उड़ाने का। ब्यूटिफुल। पकड़ लो भी। पप्पी तेरे मेरा हाथ चिपक गया रे माधो। क्या
जाना है? चलो। कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है बाद में देखेंगे, चलो। इमरजेंसी इमरजेंसी। गो 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 मैन। चलो चलो जल्दी चलो गुल्लू। अरे 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते, पेनाल्टी का थोड़ा पाप पड़ेगा। अब जाना कहाँ है? अरे तुमको जहाँ भी जाना है वहाँ ले चलो गाड़ी, लेकिन गाड़ी तेज चलाए, इमरजेंसी है। क्यों संडा जा रहा है क्या? बहुत पैसा है, इतना क्यों ठसते रहते हो जो कंट्रोल नहीं होता। यार है? इन पुलिस वालों को समझाओ यार, इन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाम? गुल्लू। तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा, तेरा पूरा नाम बता। वो गुलाब सिंह लखन सिंह हरियाणे वाले। इन्हें जानते हो तुम? नहीं नहीं साहब, इसने कहा था वो लड़की वड़की। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या है सर? तुमसे जितना पूछा गया उसका जवाब दो, जानते हो इन्हें कैसे? ये लोग भारत से आए हैं सर, वो क्या कहते हैं ड्रामा नाटक करने आए हैं लोग, इनके साथ 15-20 लोग और भी हैं सर। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया पार्क में सर। ऑर्गेनाइजर कौन है? रविंद्र जी तनेजा सर। सर वो क्या है, सीधे साधे लोग हैं, पहली बार यहाँ आए हुए हैं सर। इन लोगों ने कोई गड़बड़ की है क्या सर? बहुत बड़ी। एनीवे ऑफिसर प्लीज टेक द सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट। कम ओवर हियर लैड्स। कम ऑन। क्या हुआ? इस वक्त मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, चलो। साइन हियर टॉप वन। जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए तो हाजिरी देने पहुँच जाना। और हाँ, अगर वो ड्रग सप्लायर जिसने तुम्हें ड्रग्स दिया है दिख गया तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। ओके थैंक यू, बी गुड। थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। आदमी है कि कबूतर, बोला था ना पुलिस से संभल कर रहना। अबे इसको बोल इसको। साला खुश हो गया तू? खुश हो गया साला? बीए पास, अंग्रेजी बोल बोल के मेरे दिमाग कितने का लाली। कितना समझाया कि साला ये मुसीबत की पोटली है, फेंक इसको। नहीं उछल उछल कर क्या बोल रहा था तू मेरे को? हाँ पुलिस में चलते हैं, इनाम मिलेगा, हैं अखबार के ऊपर तस्वीर छापू की तस्वीर तेरे मुंह के ऊपर। हमें मार मार के पुलिस ने कीमा नहीं किया ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मेरी माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में। साले कल के लौंडे सिखाने लगे। आ गए वापस नरक में। अरे वाह वाह, कमाल है ना, कमाल है ना। अरे मैं जहाँ पे अटका हूँ तू कहाँ पे शुरू हो गया? झकास बोल रहा था मैं। अबे झकास है कि कंकास है, तू अंदर जाएगा तो पता चलेगा। क्या बोला? गुजराती में झगड़े को कंकास बोलते हैं, समझा? कोई नौकर वगैरह नहीं है क्या सामान उठाने के लिए? हाँ मैं ना भाई, हमारा तो यही काम है, मैं कुली नंबर वन और ये कुली नंबर दो। चलो भाई दामाद जी सामान उठाओ और डांडिया खेलने को तैयार हो जाओ। चलो आ गए हमारे करोड़पति। चलो 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 जल्दी से करोड़ को पति से अलग कर दो। आइए अंदर आइए। दुनिया का सबसे भयानक कोना हमारा घर, और वो है हमारा कमरा। वो ये किचन। हाँ हम लोग तो उधर ही पड़े रहते ना पूरा दिन। वो बाथरूम है, हो अंदर पानी आता ना, ठंडा गर्म दोनों। कोई कपड़ा वपड़ा लाया तो धोने का शुरू कर दो। वेलकम वेलकम। रुको, ये क्या हो रहा है? किन भिकमंगों को उठा के ले आयो? घबराना नहीं हो, हमारा तो रोज का है, नवो है ना बिचारो हिटले। ये डार्लिंग है ना मेरा दोस्त है, अभी इंडिया से आया है। क्या क्या नाम है तेरा? चेन वाला छोटा छत्री। और ये है येड़ा अन्ना। हाँ कुछ दिन इधर रहेंगे अपने यहाँ। क्यों रहेंगे? ये क्या कोई लॉज है? हम तुम्हें रहने देते हैं यही बहुत है, समझे? चलो चलो निकलो। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर बराबर। चलो बराबर, चलो बराबर। चलो तुम दोनों अपना अपना सामान उठाओ और चलो निकलो। आउट। अरे जाते हो कि बाहर फेंक दो? ये थूकते का नहीं, नो स्पिटिंग हियर। थूकता नहीं है बेचारा, हकलाता है। और ये बेचारा गूंगा सिर्फ इशारे से बात करता है। हाँ। अरे तो गूंगे हकले बीमार को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाओ जाकर सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दो। जाओ जाओ। ये
अब कब? कब क्या? अभी इसी वक्त। चलो गेट आउट 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 आउट। ए शानी, जब से बोलती जा रही है सुन रहे, इसका मतलब बोलते जा रहेगा क्या? मुनिस कर लियो इसकी, गर्मी का रास्ता छोड़, ठंडी हवा दे, चल। शट अप तू, छोटा छतरी के सामने चिल्लाने का नहीं समझा क्या? हाउ डेयर यू, मेरे मम्मी के साथ ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए मैडम, बहुत हो गया तेरा डमडम, चुप बैठने का। बना तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है रे इसके खोपड़ी में? भेजा। अरे वो तो लेडीज के खोपड़ी में होता ही किधर है यार। वो क्या था, वो जो रावण के 10 खोपड़ी में था ना, जो राम ने निकाल के भरता बनाया था, वो क्या था? घमंड। उतार देगा अपन 1 सेकंड में, देखती क्या है। अब दोनों नहाने को जा रहे ले, उसके पहले अब उनको गरम गरम मसालेदार चाय चाहिए, समझी ना? छोटे चल एक रे लिए। अन्ना, ये गुरु और विक्रांत 1000 करोड़ के हीरो की ट्रॉफी घुमा रहे हैं और अपने हिस्से में सिर्फ 5 करोड़ का चिल्लर। ये देख, अब उन्होंने जो गुरु को वादा किया ना, वो फाइनल। अब उनको 1000 करोड़ के हीरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। वाह वाह अन्ना वाह। अरे आज जबान की कीमत है, आज एक नई चीज आपसे सीखने मिली है। अरे आपके जबान पे तो मैं करोड़ों की लोबान जला दूं अगर हुए तो। नहीं वाह, अरे वो क्या बात है, वाह वाह वाह। ये गोटे, ये सैम, ये बारा। क्या बारा? अरे तू घर में आग लगी। ओ तेरी, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान तूने ये मौका दिया? साले भगवान ने मौका नहीं दिया, मैं नहीं देखता तो मौका नहीं मिलता। छोड़ना, अब हम जाएंगे और जाके मेरी उसे बचाएंगे और उसकी आंखों का तारा बनेंगे। चल 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 चल। इतनी शांति क्यों है, चिलम चिली भी नहीं हो रही है? अरे साले हो सकता है जागे नहीं हो यार, इतना दम घुट गया हो। अरे तुम लोग बातें मत करो, पाइप से पानी तो उतारो। पानी उतारो, पानी उतारो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाके कुएं में कूद, कुएं से जाके पानी लेके जा 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 जा। छोड़ो, जल जाएगी अंदर। साले मकान जा, हट पूजा पूजा। अरे थोड़ी जल्दी कर, जल्दी कर, बहुत बड़ी आग लगी है। तो तू भी अंदर घुस जा। अबे साले बीच में क्यों आते हैं? अबे इधर आग लगी है, तुम लोग बाल्टी से खेल रहे हो। अबे सैम कहाँ गया? अबे अबे साला अंदर जाके उसके सामने टिमटिम मारा होगा। दगाबाज साला, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, साला छाती फुला फुला के डिंगे मारा होगा अकेला। सत्यानाश कर दिया हवन का। आइए आइए पप्पी भाई आइए। नमस्ते, ये हमारे पा। नमस्ते मंगू मोची। मंगू मोची, बैग सीता है ना तू? अरे नहीं नहीं, मेरा नाम प्रीतम है। प्रीतम? हाँ प्रीतम, प्रीतम म्यूजिक डायरेक्टर। क्या गाना है वो? पप्पी भाई, पप्पी भाई, ये प्रीतम हमारे पा है। बस चलाते हैं। आप रिबन काटिए ना प्लीज। आइए आइए, मैंने आपको कहीं देखा है? बस में देखा होगा। आप ना, ना? कोई बात नहीं, कहाँ देखा है? अरे नहीं यार, कपटो ना। याद आ गया, याद आ गया, कोई शक? अरे सब कुछ याद आ गया। पप्पी भाई, ये लाइन आपको शोभा नहीं देती। तेरे को किसके मन में शोभा मेरे को लाइन नहीं देती थी यार। लेकिन मैंने इसको पहचान लिया, इसी के पास है वो। क्या? अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा क्लू दूं। बताओ, क्लू दूंगा मैं। अब बताएंगे मेरे इंटेलिजेंस, दे जा।
और धागा। ले जाओ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा हो क्रिकेट की, इंडिया की जीत हो तो श्रीलंका की। आई डोंट नो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें गाने में पूछता हूँ। जिंदगी की यही रीत है, तो किसकी बातचीत है? गाता रहे। अभी वहां से इंसल्ट मत कराओ, मैं हार गया। हार गया नहीं, हार है। महारानी का चोरी किया हुआ हार इसके पास है। तेरा पाप है, झूठ बोलता है, हार निकाल। अरे आप चोरी किया आपने। अरे गोपाल, मैंने जिंदगी में सिर्फ हार देखी है, कोई हार नहीं देखा। गोपाल एक सेकंड, बात झूठ मत बोलिए। महारानी का हार आपके पास? अरे ऊपर वाला अखरोट भी उसको देता है जिसके मुंह में दांत ही नहीं। अरे आप इधर है, मैं तो आपको बम छोड़ा दूंगा। नहीं बातें करूंगा। आप अरे नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी हार के बारे में कुछ नहीं जानता। अरे क्या एक्टिंग करते हो अंकिल, एकदम नेशनल अवार्ड विनर की तरह। अरे अंकिल बात को यही दबा देते हैं, बता दो हार कहाँ छुपा है। अरे सुनो, बैड न्यूज़ इज यू आर अ चोर, बट द गुड न्यूज़ इज पुलिस एंड मीडिया डोंट नो अस येट दैट यू आर अ चोर। प्लीज हार दे दो, बात फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? देखो मैं कहेंगे हमारे हाथ पे लिख दे कि तेरा बाप चोर है। बात झूठ क्यों बोल रहे हो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, आई तेरी तो। मैं गीता के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। ए, तुम लोग निकलो, मेरे बाप मेरी माँ की तीन बार झूठी कसम नहीं खाएंगे, निकलो। परवास ठाक, इतना मत बनो इस मार, नहीं तो तेरे पाप पड़ेगी इतनी मार। मार समझता है, MRF मार, सारी हकीकत आईने की तरह घूमते हुए सामने आ जाएगी। ये क्या किया पगलू? देख देख रितु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे वो क्या, इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ये संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसाफ मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने, तू बहुत महान है ढंबे। अबे क्या कर रहा है, धत पे मार साले के, बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं, जोर से घुमा के दो पेट में निकला। तू तो बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी ऐसे टुच्चे लोंडों के सामने दम तोड़ दिया। यूज़लेस। नहीं वो क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, वो एकदम अचानक से वो क्या पीछे से वो ए, हमला करने वाले घंटा बजा के इतला देते हैं क्या? और नहीं तो क्या, मैंने इसे कराटे के सारे हाथ सिखाए, फिर भी ये बिस्किट की तरह टूट गया। क्योंकि मैंने तुझे जब वो हाथ सिखाए थे तब तेरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने गलती की। मेरे कंधे पे चढ़ के हीरो मत बन। तुम ऋतु हो,
बहुत अच्छा। अच्छा वो आप लोग आ गए, वरना आज हमें कौन बचाता? साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया तू। परिचय करा, परिचय करा। सॉरी मैं तुम्हें इनसे मिलवाना भूल गया। ये सब मेरे दोस्त हैं और राहुल के भी। ये गोटी। हाय आई एम गौतम। समीर। और मैं मार्तंड। हाय। अच्छा आप लोग मिल गए, मुझे राहुल भैया के बारे में कुछ जानना था। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर क्यों मना किया उसने? हाँ क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ये बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो मुझे याद है। हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ वही तो मुसीबत की जड़ थी, ये हिंदू वो क्रिश्चियन। सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठाकर उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था। उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। मत रो आजा मेरे साथ। मेरे भाई अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू।